आपको कोई भी सेक्सुअल एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो, आपकी रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट कम हो, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी कम होगी हो, या अगर आपको सेक्सुअल इम्पोटेंसी हो, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम हो, जो कि अल्टीमेटली साइन है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आपको मर्दाना कमजोरी है, तो उस केस में आप आज हम जानेंगे सियालिस टेबलेट के बारे में। सियालिस टेबलेट जिसका सार टेडालाफिल है और इसका सुफिक्स एफिल इंडिकेट करता है कि ये फास्फोडाइएसिस टाइप 5 एंजाइम इनहिबिटर क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि आपके पेनिस स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, पेनिस स्मूथ मसल की विजो डायलेशन करवाती है और पेनिस ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है और अल्टीमेटली ट्रीट करती है मेल इनफर्टिलिटी को, मेल इरेक्शन प्रॉब्लम्स को, लाइक अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हो या पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो, तो उस केस में ये सेफली यूज करवाया जाता है। अब अगर इसके बेसिक मेडिकल यूज को डिस्कस करें, तो अगर आपको कोई भी सेक्सुअल एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो, आपकी रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट कम हो, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी कम होगी हो, या अगर आपको सेक्सुअल इम्पोटेंसी हो, आपको इरेक्शन प्रॉब्लम हो, जो कि अल्टीमेटली साइन है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आपको मर्दाना कमजोरी है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की कंडीशन हो, जिसमें आपको जो यूरिन अर्ज यूरिन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है लेकिन आपको यूरिनरी आउटपुट कम होता है, तो उस केस में इस टेडालाफिल को यूज करवाया जाता है। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ या पैकेजिंग की बात की जाए, तो ये फिल्म कोटेड फॉर्म में 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पेनिस पे कार्पस कैवोनसम टाइप के स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, जो कि असल में इरेक्शन को काज कर रहे होते हैं। तो जब ये मसल वेजो डायलेट यानी इन पे रिलैक्सेशन होती है, तो यहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है तो इससे आपको इरेक्शन काज होती है। तो ये टेडालाफिल भी यही करती है, इन पेनिस के स्मूथ मसल कार्पस कैवोनसम की वेजो डायलेशन करवाती है, इनको रिलैक्स करवाती है जिससे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और अल्टीमेटली इससे आपको इरेक्शन भी ट्रीट होती है। अब जानते हैं कि ये वेजो डायलेशन कैसे करवाती है, तो इसमें सबसे पहले एल आर्जिनिन से एक केमिकल मीडिएटर नाइट्रिक ऑक्साइड आता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर इंटर होता है पेनिस स्मूथ मसल्स के अंदर और वहां जाके ये एक्टिवेट करता है साइक्लिक जीएमपी को। ये साइक्लिक जीएमपी असल में एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, वेजो डायलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स और जितनी भी ब्लड फ्लो होती है उसको इंक्रीज करता है। इसके साथ ही ये साइक्लिक जीएमपी जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज प्रोटीन्स होती हैं, जो कि असल में कॉन्ट्रैक्शन को काज करती हैं, उनको इनहिबिट करते हैं उनकी फास्फोराइलेशन करके, उनको इनएक्टिव फॉर्म जो कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज फास्फेट है उसमें कन्वर्ट कर देता है, जिससे मसल कंट्रेक्शन नहीं होती बल्कि वेजो डायलेशन होती है। और इसके साथ ही ये साइक्लिक जीएमपी जो कैल्शियम चैनल या कैल्शियम आयन अंदर इंटर हो रहे होते हैं स्मूथ मसल्स में, उनको ब्लॉक करता है जिससे अल्टीमेटली मसल कंट्रेक्शन नहीं होती। तो ये सारे काम साइक्लिक जीएमपी कर रहा होता है, मगर यहाँ ये साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट हो जाता है जीएमपी में बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम फास्फोडाइएसिस टाइप 5, जिसकी वजह से आपके पेनिस स्मूथ मसल में जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल कम हो जाता है, और जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाता है तो इससे आपको स्मूथ मसल रिलैक्सेशन नहीं होगी, वेजो डायलेशन नहीं होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं होगा, आपको इरेक्शन काज नहीं होगी और आपकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं होगी। तो इस केस में जब आप ये टेडालाफिल या सियालिस यूज करते हैं, तो ये इस कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि फास्फोडाइएसिस टाइप 5 है उसको इनहिबिट करती है, जिससे साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होता और आपके पेनिस स्मूथ मसल में जो साइक्लिक जीएमपी है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और इससे अल्टीमेटली आपको जो पेनिस स्मूथ मसल है वहां पे वेजो डायलेशन होगी, रिलैक्सेशन होगी और आपकी जितनी भी इरेक्शन प्रॉब्लम थी वो ट्रीट होंगी। अब इसकी डोज के बारे में जानते हैं, तो आपने इसे उस वक्त लेना है जब आप फुली सेक्सुअली स्टिमुलेटेड हो और आपने इसे इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले 10 एमजी तक सेफली यूज कर सकते हैं, मगर आपने इसे हरगिज भी खुद से एज अ सेल्फ मेडिकेशन या प्लेयर या सेक्सुअल टाइमिंग या किसी के कहने पे यूज नहीं करना, बल्कि प्रॉपर फिजिशियन की रिकमेंडेशन से इसे यूज करना है।
और इसे आपने उस वक्त यूज करना है जब आपको रियली कोई इरेक्शन प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिजीज हो, और ये लेस देन 18 एज वालों को प्रेफर नहीं की जाती। अगर इसकी हाफ लाइफ की बात की जाए तो इसकी हाफ लाइफ अबाउट 24 to 36 आवर तक है, और इसीलिए आप इसे डेली ना लें बल्कि गैप देके यूज करें। और अगर इसके पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन लेवल की बात की जाए तो इसकी पीक प्लाज्मा लेवल अचीव हो जाता है आफ्टर 30 to 120 मिनट, तो इसी वजह से आप इसे इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले यूज कर सकते हैं। और अगर इसको कंपेयर किया जाए सिलडेनाफिल से, तो ये सिलडेनाफिल के कंपैरिजन में एक तो मोर पोटेंट ड्रग है, और इसके साथ ही इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी लॉन्गर है। अब इसके साइड इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, तो इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, डिजीनेस का होना, इसके साथ ही आपको ब्लर विजन भी हो सकते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक अपसेट भी हो सकता है, आपको मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इसके साथ ही आपको हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, और फ्लशिंग यानी आपके स्किन पे, आपके फेस और आपकी नेक रीजन पे रेडनेस भी हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी साइबर के अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा।